हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इंफोसिस के तीन सबसे बिगेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें पहला अपडेट गाइस आपके इंफोसिस जीसी है उसकी गाइडलाइंस रिलेटेड होने वाली है। अगर आप भी मैसूर में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो तो क्या क्या गाइडलाइंस होने वाली है, ग्लोबल एजुकेशन सेंटर और मैसूर की गाइडलाइंस के बारे में मेल मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को रिसीव हो रहे हैं, वो गाइस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ गाइज। और दूसरी अपडेट गाइज, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लॉन्च पैड को फिलअप कर रहे हैं, वहाँ पे गाइज उनको एक सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहाँ पे ऑल मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन है, इसके अलावा CMM अपलोड करने का ऑप्शन है। इसमें गाइज जो डाउट है उसके लिए क्या इंफोसिस की तरफ से रिप्लाई आई हुई है, उस पर गाइज हम इस वीडियो में डिटेल्स देखने वाले हैं। थर्ड अपडेट गाइज आपके रहने वाले हैं, जहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया हुआ है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है लॉन्च पैड पे, तो उस पर क्या रिप्लाई आया हुआ है इंफोसिस की तरफ से, वो भी गाइज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस आपको वन बाय वन सारे अपडेट को एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपके भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो को आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड तक देख सकते हो, सारे गाइस आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो भी गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो गाइस आप लोगों के लिए वेरी वेरी यूजफुल गाइस रहने वाली है। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज अगर आप भी इन्फोसिस के कैंडिडेट हो और गाइज आपके ज्वाइनिंग मैसूर में होने जा रही है, तो गाइज आपके लिए इन्फोसिस की तरफ से आ रही तीन बिगेस्ट अपडेट के बारे में गाइज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ गाइज। जिसमें पहला अपडेट गाइज मैं बात करूँ, तो जब भी आप मैसूर ज्वाइनिंग करने के लिए जाओगे तो वहाँ की गाइडलाइंस क्या होने वाली है, इस पर क्या इन्फोसिस की तरफ से मेल किया जा रहा है, आपको उसके बारे में बात करेंगे गाइज। ये GEC की गाइडलाइंस है, जो कि ये GEC होता है ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, इस पर गाइडलाइंस के बारे में क्या मेल देखने को मिल रहा है उस पर भी गाइज हम लोग बात करेंगे। दूसरी अपडेट गाइज, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर क्या मैं लॉन्च पैड में ऑल सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड कर सकता हूँ, या अगर हम CMM केवल अपलोड करूँ तो ये इनफ है मेरे लिए, तो इस पर क्या अप्लाई आया हुआ है इन्फोसिस की तरफ से, उस पर गाइज हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट गाइज आपके रहने वाले कि अगर आपने लॉन्च पैड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को करेक्टली अपलोड नहीं किया हुआ तो उसके लिए मेल आ रहा है कि प्लीज़ अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इस पर भी गाइज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ सबसे पहले देख सकते हो कैंपस गाइडलाइंस एट ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, तो गाइज इस नाम से आपके पास मेल देखने को मिल रहे होंगे, ये इन्फोसिस की तरफ से आप लोगों के पास आ रहा है। डियर कैंडिडेट, वेलकम टू इन्फोसिस मैसूर एंड GEC। As we look forward to welcome you to the Infosys Mysore campus, here are some important campus guidelines to be adhered to while you stay in campus during the training period. तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो गाइडलाइंस इस मेल के आगे लिखा हुआ है ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो एक बार वहां से देख लेना। लेकिन गाइज इसमें बताया जा रहा है कि जब आपको मैसूर और GEC में वेलकम किया जा रहा है तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस रखना है उसको आपको ध्यान देना होगा। GEC का मतलब गाइज होता है ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, जहां पे गाइज आपकी पूरी ट्रेनिंग चलने वाली है गाइज। ये गाइज एक दो तरह के बिल्डिंग होंगे, GEC 1 की एक बिल्डिंग होती है, GEC 2 की होती है, जहाँ पे आप लोग की ट्रेनिंग चलती है गाइज। तो ये इसलिए गाइज ये बताया गया। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला यू कैन गो थ्रू द अटैच डॉक्यूमेंट टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द कैंपस गाइडलाइन। तो गाइज ये आपके पास जो मेल आया होगा इसी में गाइज एक आपके PDF अटैच होगा, जहाँ से ओपन करके गाइज आप सारे गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो गाइज इस मेल पर आप लोग मेल करके अपने क्यूरी को कर सकते हो। ये गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और गाइडलाइंस आपको ध्यान रखना है गाइज। आप कुछ भी वहाँ पर मिसबिहेव करते हो तो गाइड डायरेक्ट आपको टर्मिनेशन का मिल देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए गाइज आपको गाइडलाइंस पहले ही बता दिया जाता है। नेक्स्ट अपडेट गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि सर डू वी नीड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट और ओनली CMM इज इनफ। तो गाइज मैं आपको बता दूं इस पर क्या रिप्लाई आया हुआ, सब कुछ गाइज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो इस पर रिप्लाई आया हुआ है इन्फोसिस का, हाई कैंडिडेट यू कैन अपलोड योर कंसोलिडेटेड मार्कशीट अंडर कंसोलिडेटेड कैटेगरी एंड नो नीड टू अपलोड द सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अगेन। अगर गाइज आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो गाइज आप लोग कंसोलिडेटेड कैटेगरी के अंदर अपलोड कर सकते हो, और जब ये अपलोड करोगे तो गाइज आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये आप लोग ध्यान रखना, कुछ कैंडिडेट का डाउट था तो आप लोग को ये मिल गया होगा, इनका गाइज यहाँ पर रिप्लाई मिल गया होगा। ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आप लोग अपलोड कर सकते हो, इवन योर 10-12 डिप्लोमा इफ अप्लीकेबल, तो गाइज वो भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। तो गाइज आपको इसमें से एक कोई चूज कर लेना है, या तो आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अपलोड करो या गाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ये दोनों में से एक कोई अपलोड करना होगा आपको गाइज। इसके बाद गाइज एक और अपडेट है, आप लोग देख सकते हो कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने लॉन्च पैड पे अपनी डॉक्यूमेंट को गाइज इन्होंने अपलोड नहीं किया होता
करेक्टली आपने इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया हुआ था करेक्टली, तो इस पर आया हुआ हाय कैंडिडेट प्लीज़ चेक नाउ एंड अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स इमेडिएटली। आपको इमेडिएटली अपनी जो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना होगा। अगर गाइज ऐसा नहीं करते हो तो गाइज आपको एक्सटेंशन का मिल गाइज देखने को मिल सकता है, आपको बोला जाएगा कि आप लोग एक्सटेंड करो अपनी ज्वाइनिंग डेट को। तो गाइज ये आप लोग ध्यान देना और आप लोग करेक्टली अपलोड करो ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोग के लिए। तो ये तीन अपडेट आ रही थी इन्फोसिस की तरफ से, तो मैंने कोशिश किया कि आपको सब कुछ बता दूँ। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में गाइज पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।